आज दो कच्चे आलू और आधा कप सूजी से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा ये नाश्ता। जब कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे ना, तब आप इस नाश्ते को बना करके खा सकते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस नाश्ते की सबसे खास बात ये है कि ये नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 10 मिनट में बनने वाले इस नाश्ते की रेसिपी को। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये दो कच्चे आलू ले लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है और पानी में ही रख लिया है ताकि ये काले ना पड़े। अब ये मेरे पास है कद्दूकस। तो देखिए, हमें जो छोटे वाले साइज में ये कद्दूकस है ना, छोटे साइज का, उधर से हमें इसे ग्रेट करना है। आलूओं को देखिए इस तरीके से हम जब इसे रखेंगे पानी में, क्योंकि लच्छे अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए हम इसे इस तरीके से पानी में ही रखकर ग्रेट कर लेंगे। तो इसके बहुत ही बारीक लच्छे निकल करके आ जाएंगे, तो बारीक वाले से ही हमें इसे ग्रेट करना है, मोटे की तरफ से हमें इसे ग्रेट नहीं करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे ये लच्छे निकल करके आ गए हैं, ये बिल्कुल बारीक लच्छे निकले हैं। तो ये पानी जो है ना काफ़ी क्लाउडी सा है, तो हम क्या करेंगे, जो आलू के लच्छे हैं इन्हें इस तरीके से हम पानी से निकाल लेंगे और एक अलग बाउल में रख लेंगे। तो पूरे लच्छों को इसी तरीके से हम इस पानी से निकाल करके अलग बाउल में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएं। तो ये देखिए, ये जो पानी है इसे हटा देते हैं और अब ये जो बाउल में हमने आलू के लच्छे रखे हैं इसमें हम पानी और डाल देंगे, दूसरा साफ पानी, और बस इसे हम इसी पानी में इसी तरीके से रखे रहने देंगे, पानी से अलग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब हम करेंगे अपना दूसरा काम, जो हमें आगे का नेक्स्ट स्टेप करना है। तो बस अब इन लच्छों को हम इसी तरीके से पानी में रहने देते हैं और अब हम पैक गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, सेसमे सीड्स, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसमें। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, इसे मैंने जो फ्रेश जिंजर गार्लिक होता है उसे अच्छे से मैंने कूट दिया था और उसे इसमें यूज किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पकने देंगे ताकि जो अदरक और लहसुन है उसका भी कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, बस कुछ ही देर में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भून जाती हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी वगैरह भी ले सकती हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, तो ये देखिए, और ये 5 से 6 मीठी नीम है, करी लीव्स, इन्हें भी हम तोड़कर इसमें डाल देते हैं। और ये जो पानी है ये अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो ये देखिए पानी को हम थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेंगे और इसके बाद जो हमने आलू के लच्छे रखे थे पानी में उसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए पूरे लच्छे आलू के हम इसमें डाल देते हैं और इसके बाद इसे हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। क्योंकि आलू हैं और बहुत ही बारीक लच्छे हैं तो इसे पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, कुछ ही देर में ये पक जाते हैं। ये देखिए सब तरफ से इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। और ये देखिए अभी इसे कुछ ही देर हुआ है लेकिन जो आलू हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अनुसार और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बॉयल आने लगा है पानी में। तो अभी हमें क्या करना है, मैं ये ले रही हूँ 1/2 कप सूजी। तो सूजी अगर आपके पास मोटी महीन जो भी हो वो ले सकते हैं, अगर मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर में डालकर हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस हमें सूजी इस तरीके से एक हाथ से चलाते जाएंगे स्पैचुला को और सूजी को डालते जाएंगे ताकि जो सूजी है उसमें लम्स ना बने और लम्स फ्री हमारा ये मिक्सचर बन करके तैयार हो। और बस अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन, ये हमें बाइंडिंग के लिए इसमें चाहिए इसलिए 1 टेबल स्पून बेसन इसमें ऐड करेंगे, बेसन नहीं है तो गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हमें चलाना है अच्छे से, इसे हमें कुक करना है जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे, तब तक इसे हमें अच्छे से पका लेना है। अभी हम थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून सांभर मसाला, अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें
ऑरिगेनो का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मसाले ही इसमें पर्याप्त हैं। अगर आप पाव भाजी मसाला डालेंगे तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें पैन छोड़ने तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो बस हमारा ये मिक्सचर बन कर के तैयार है। अब इसमें हम ऊपर से हरी धनिया डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर देना है और मिक्सचर जो है बहुत ही अच्छे से पैन को छोड़ने लगा है। तो बस अब सारी चीज़ों को डालने के बाद में कुछ ही देर में हम गैस की जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इस मिक्सचर को हमें चलने हैं ठंडा करने के लिए। तो मैंने एक प्लेट ले ली है और उसमें इस मिक्सचर को निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, जो सूजी होती है ना, ये सभी की फ्रेंड होती है, क्योंकि ये ना अगर गीला भी होता है तो भी काम चलता है, ड्राई भी होता है तो भी काम चल जाता है। कभी भी ये नाराज़ नहीं होती है, ना ही ये बिगड़ती है। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है बहुत ही अच्छे से इसमें फूल चुकी है और अब इसे हमें रख देना है कुछ देर ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए मिक्सचर जो है ये हमारा ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब इसे देखिए हाथों में थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और इसके बाद ये मैंने इस तरह का स्पून लिया है और इसमें इस मिक्सचर को हम भर लेंगे इस तरीके से और बस हाथों में पलट के इसके हमें छोटे छोटे से बॉल्स बना लेना है। इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो सारी बॉल्स एक साइज की ही बनेंगी तो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये देखिए इसे मैंने बना लिया है, इसी तरीके से हम दूसरा बॉल भी इसका बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जब मैं मिक्सचर निकाल रही हूँ ना तो सारी बॉल्स इसमें से एक तरीके की एक साइज की ही बन करके तैयार होंगी। तो बस इसे भी हम बना लेते हैं और सारी की सारी बॉल्स को इसी तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें फ्राई करने के लिए हम जो भी तेल का इस्तेमाल करेंगे वो तेल इसमें डालकर गरम कर लेंगे और ये जो बॉल्स हैं इसमें डाल देंगे। कुछ देर इन्हें ऐसे ही पड़े रहने देंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी बॉल्स को हमें तेज फ्लेम में ही फ्राई करना है, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी थी पहले ही। अब इसे हमें सिर्फ फ्राई करना है, बिल्कुल भी धीमी आँच में मत तलिएगा वरना सारी बॉल्स फट जाएंगी। ये मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने धीमी आँच में इसे फ्राई किया ना तो ये तुरंत का तुरंत ही फट जाएंगी, इसलिए तेज आंच में ही इसे हमें फ्राई कर लेना है और तेज आंच में फ्राई करते हुए भी ये बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए कुछ ही देर फ्राई करने के बाद में मैं इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि अंदर से सारी चीज़ें इसमें पहले से ही कुक हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस बाहर की लेयर अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तभी तक इसे हमें पका लेना है। फ्लेम को मैंने तेज ही रखा है पूरे टाइम और ये लीजिए हमारी ये सूजी बॉल्स बन करके तैयार हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और फटाफट से दूसरा बैच भी इसमें हम फ्राई करके निकालते हैं। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और दूसरा बैच भी इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा जो बैच है उसे भी इसमें मैंने डाल दिया है, आँच को तेज करके ही इसे मैंने फ्राई किया है और दूसरा बैच भी हमारा बन के तैयार है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये बॉल्स हमारी बनी हैं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारी सूजी बॉल्स बन करके तैयार हैं। तो लीजिए सुनिए इसकी आवाज़ कितने क्रिस्पी हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। चूँकि ये सूजी से बने हैं तो क्रिस्पी होना तो लाजमी है। तो चलिए देखिए मैं आपको ना इसे एक तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से ये नरम मुलायम है लेकिन बाहर से बिल्कुल करारा है। तो फ्रेंड्स एक बार ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी और 10 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।